है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। आज हम बात करने जा रहे हैं सिप्रोफ्लोक्सासिन हाइड्रोक्लोराइड के बारे में। यहाँ पे देख सकते हैं आप, सिप्रोफ्लोक्सासिन हाइड्रोक्लोराइड लिखा हुआ है, तो सिप्रोकोन इसका नाम हो गया और 500 mg ये पावर हो गया। यहाँ टेबलेट है, जो टेबलेट मतलब टेबलेट या अगर कैप्सूल रहता तो यहाँ पे कैप्सूल लिखा हुआ रहता। तो चलिए इसके बारे में हम लोग डिटेल से जान लेते हैं। तो सिप्रोफ्लोक्सासिन का जो इन्वेंशन हुआ था वो 1987 में हुआ था। ये एक ऐसा दवा है जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में लिस्टेड है। क्यों लिस्टेड है? क्योंकि ये सबसे सबसे बेस्ट दवा है और सबसे कारगर दवा है और ये जल्दी असर करता है और सबसे सस्ता दवा है, तो और सेफ़ भी है, काफ़ी सेफ़ है। इससे साइड इफ़ेक्ट इसका बहुत ही कम है, तो और ये सबके रीच में है, मतलब गरीब अमीर सब कोई ले सकता है इसको। और बहुत सारे देशों में इसको चलाया था सिप्रोफ्लोक्सासिन, तो बहुत ही अच्छा दवा है। तो इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कब चलाया जाता है। ये आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन में चलता है, पेट में अगर इन्फेक्शन हो गया हो, लूज मोशन हो रहा हो, वैसा कंडीशन में आप इसको चला सकते हैं। अगर मान लीजिए यूरिनरी प्रॉब्लम है उसमें भी आप चला सकते हैं। अगर मान लीजिए पेशाब में जलन हो रहा हो या फिर पेशाब में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो रहा हो, यूरिनरी में प्रॉब्लम हो रहा हो, मतलब पेशाब करने में दिक्कत हो रहा हो या फिर इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो रहा हो, तो ऐसा कंडीशन में इसको ले सकते हैं। और अगर अब बात कर लेते हैं इसका प्राइस के बारे में, तो जैसा कि इसका पूरा प्राइस हम देख सकते हैं, इसका प्राइस है, आपको इसका प्राइस लगभग 66 रुपया में 10 टेबलेट है, क्योंकि बहुत ही सस्ता है। और भी बाकी सारे एंटीबायोटिक काफ़ी कॉस्टली आते हैं, तो ये लगभग जो है सबके रीच में है। अगर हम इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करें, तो अगर आपको उल्टी या सामान हो सकता है, वोमिटिंग हो सकता है, या मतलब पेट में जलन हो सकता है, और इसको लेने से इचिंग वगैरह हो सकता है, तो इस टाइप का कुछ प्रॉब्लम आ सकता है। तो वीडियो कैसा लगा आप हमको ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अगर आप आपको अच्छा लगा तो आप हमको कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।